झुंझुनू के सूरजगढ़ में मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट खुलवाने के लिए वकील पिछले 1 महीने से आंदोलन पर हैं। उन्होंने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए पेंडाउन हड़ताल कर रखी है। अब वकीलों ने जिले के प्रभारी मंत्री ममता भूपेश से मुलाकात की है। संदीप मान तथा मदन सिंह के नेतृत्व में सुरेंद्र सिंह तंवर और मनोज डिग्रवाल के साथ एक प्रतिनिधिमंडल ने झुंझुनू के सर्किट हाउस में जिले के प्रभारी मंत्री ममता भूपेश से मुलाकात की और उन्हें सारी स्थितियों से अवगत करवाया। संदीप मान तथा मदन सिंह ने बताया कि 2015 में हाई कोर्ट ने सूरजगढ़ में एमजीएम कोर्ट खोलने के लिए सहमति दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार से वित्तीय स्वीकृति न मिल पाने के लिए पिछले 7 सालों से सूरजगढ़ एमजीएम कोर्ट का इंतजार कर रहा है, लेकिन इस बार के बजट में इसके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने की अपील की। ममता भूपेश ने भी पूरे मामले को समझा और मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने का आश्वासन दिया। एडवोकेट मदन सिंह ने बताया कि सूरजगढ़ में एमजीएम कोर्ट न खुलने के कारण परिवादियों को 2-3 बसें बदलकर पिलानी जाना पड़ता है, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जो हरियाणा बॉर्डर पर हैं। उन्होंने बताया कि जब 2013 में एमडीएम कार्यालय खुल गया, 2015 में हाईकोर्ट ने भी कोर्ट को मंजूरी दे दी, लेकिन सरकार इस मामले को अटका कर बैठी है। आपको बता दें कि वकीलों ने न केवल न्यायिक बहिष्कार कर रखा है, बल्कि सूरजगढ़ में एमजीएम कोर्ट की आवश्यकता को लेकर करीब 3 दर्जन से अधिक सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं ने भी लिखित में मांग को अपना समर्थन दिया है। वहीं पिछले दिनों वकीलों का प्रतिनिधिमंडल जयपुर भी गया था, जहां पर उन्होंने राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा से मुलाकात की, अपनी मांग रखी थी। इसके बाद राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने भी तुरंत मांग को जायज मानते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आने वाले बजट में सूरजगढ़ में एमजीएम कोर्ट खोलने का निवेदन किया है। हमारा सूरजगढ़ में मुंसिफ कोर्ट खुलवाने के लिए पिछले 30 दिन से धरना चल रहा है, जिसमें हम सारे वकील एक जगह पैन डाउन हड़ताल पर बैठे हैं। हमने सीएम साहब को काफ़ी लेटर लिखे हैं, जो इसी वित्तीय वर्ष में हमारे कोर्ट की वित्तीय स्वीकृति दिलवाने के लिए हमने हमारे मंत्री साहब मंत्री श्रीमती भूपेश ममता भूपेश से भी मिले हैं और उनको भी ज्ञापन दिया है, और सीएम से आग्रह कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसी बजट में हमारा एमजीएम कोर्ट की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करें। कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट की क्रिएशन कमेटी ने सन 2015 में ही हमारे सूरजगढ़ में कोर्ट कर दिया था, और 2013 से एसडीएम कोर्ट कार्यालय स्थापित है, 23 वर्ष से तहसील कार्यालय स्थापित है। राजस्थान में रेवेन्यू देने वाली अग्रणी तहसील रही है, उसके बावजूद भी हमारे पास ये अभी की बात वित्तीय स्वीकृति के लिए हम आंदोलनरत हैं। सूरजगढ़ में जो है वो मुंसिप कोर्ट का अभाव है। सूरजगढ़ के आसपास के जो लोग हैं उनको न्याय के लिए जो है वो पिलाने जाना पड़ता है, और पिलाने जाने के लिए लोगों को दूर दराज से जो है वो आने के लिए दो दो तो तीन तीन बसें बदलनी पड़ती हैं। इसलिए लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है। न्याय हित में जो है वो सूरजगढ़ में एक मुंसिप कोर्ट की अति आवश्यकता है, और इसके लिए हमने पहले भी काफ़ी बार निवेदन किया है, और अब 1 महीने से लगातार वकील जो है पूरे वकील साथी न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रखा है, और आमजन जो है वो सब हमारे साथ हैं। जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो सब इस मुद्दे को लेकर के बड़े संवेदनशील हैं, और हमने इसमें मामले में आज हम जो है वो हमारे प्रभारी मंत्री जी जो है वो यहाँ आए हुए हैं, तो हमने उनसे भी मुलाकात की है और उनसे भी निवेदन किया है कि माननीय राजस्थान हाईकोर्ट जो है वो हमारी मांग को स्वीकार कर चुका है। हमारी जो पत्रावली थी वो क्रिएशन कमेटी ने हमें अप्रूव करके ना, और वो फाइनेंस सेक्रेटरी के पास लंबित है, तो अब की बार वित्तीय घोषणा में जो है सूरजगढ़ में एमजीएम कोर्ट की जो है घोषणा की जानी चाहिए, ये हम बार बार निवेदन कर रहे हैं।